हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 स्टैटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इंट्रो कराया था, क्या कहते हैं, क्लास 9th में जो हमने स्टैटिक्स पढ़ा है उसका, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी ने उस इंट्रो को नहीं देखा है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो इंट्रो देखें, उसके बाद ये देखें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आज जो हमने करना है, बेसिकली आज हमने क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट इंट्रो में क्या कराया था, मैंने आपको बताया था स्टैटिक्स क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, डेटा के बारे में हमने बात करी थी। डेटा दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। फिर हमने डेटा में ये बताया था कि डेटा को हमने कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दैट इज अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड में भी इंडिविजुअल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। और फिर जो हमने नाइन्थ क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जो एक रूल है किसको एनालाइज करने को, डेटा को एनालाइज करने का, तो उसमें हमने जो पढ़ा था वो था मीन मीडियन मोड, और वो हमने नाइन्थ क्लास में बेसिकली इंडिविजुअल डेटा पे पढ़ा था। तो उस सब चीजों को हमने रिकॉल कर लिया था लास्ट इंट्रो में। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं टेंथ क्लास से रिलेटेड ही बातें, है ना। तो टेंथ क्लास में जो हमने पढ़ना है डेटा के बारे में, तो यहां पे डेटा आपके पास ग्रुप्ड डेटा भी होगा, है ना। नाइन्थ क्लास में तो अनग्रुप्ड डेटा ही था, ठीक है, जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा था। तो अब हम हमारे पास ग्रुप्ड डेटा भी होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूं, तो अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज की बेटा, मीन की, जिसका सिंबल होता है एक्स बार, तो इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, जो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, जैसे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बेसिकली वो कुछ और नहीं, उसको हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उसको हम कह सकते हैं जनरल मेथड, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, जनरल मेथड। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ओके। अच्छा, दूसरा नंबर टू, नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो बाय डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड, ओके। तो डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो देखिए इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो बच्चे इसमें मीन का फॉर्मूला होता है बेसिकली ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखिए किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सर ई क्या लिख रहे हो, ई नहीं है, ये सिग्मा है बेटा, सिग्मा है ना। बेसिकली सिग्मा, सिग्मा मींस समीशन, समीशन, समीशन किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का, समीशन किस चीज का, एफ इंटू एक्स का जो भी प्रोडक्ट आया है उसका, है ना। तो समीशन है, ओके। अच्छा, यहां पर डी, डी फॉर डेविएशन होता है, जिसके लिए फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एंड एक्स इज अ मिड वैल्यू, एंड एक्स इज अ मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय टू। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, पता नहीं चल रहा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है बेटा। अगर पता नहीं चल रहा तो हम पता लगाएंगे जब हम इसके ऊपर एग्जांपल कर रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता लगाएंगे, ठीक है ना। अब चौथा नंबर फोर, इसको कहते हैं बेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, तो इट इज स्टेप डेविएशन मेथड, मेरा तो फेवरेट है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई यहां पे इंटरवल है बेटा, आई फॉर इंटरवल है। एनसीईआरटी ने यहां पे आई ना लेके एच से डिनोट किया है, एच फॉर हाइट लेती है एनसीईआरटी ना, तो उससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप आई लिखो या एच लिखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे एग्जाम्पल लेके, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके इन सबको हम अप्लाई करना सीखेंगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 261 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखिए अभी मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे किसको कैलकुलेट करने के, बेसिकली मीन को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं उसको, है ना। तो अब हम उसको एप्लीकेबल करके देखते हैं उन मेथड्स को, एक एग्जांपल लेके उस मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं ना, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 261 एनसीईआरटी है, क्या कहता है, कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर
प्रेजेंटेड इन अ टेबल ब्लो फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। कहता है कि 30 स्टूडेंट्स का जो है क्लास टेंथ का कुछ स्कूल्स में टेस्ट हुआ है और जो उसके मार्क्स हैं वो कैसे हैं बेटा, आउट ऑफ 100 है, ठीक है ना, तो वो आपको गिवन है, आपने इसका मीन मार्क्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको जनरल मेथड से कैलकुलेट करूँ तो जनरल मेथड से कैसे कैलकुलेट करूँगा बेटा, मैं सभी ऑब्जर्वेशन को टोटल करूँगा और सबको फिर क्या करूँगा बेटा, 30 से डिवाइड कर दूंगा। सिंपली यही कहता है ना बेटा। तो देखो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 को तो एक ही बार करना है, 20 को भी एक बार करना है, लेकिन 36 तीन बच्चों के आए हैं तो 36 को तीन बार मेरे को प्लस करना पड़ेगा ना, 36 प्लस 36 प्लस 36। तो उसका एक ईजी तरीका भी है, मैं दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं, उससे भी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना, है ना, तो उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है और हम इसको बेसिकली उसी से ही कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, देखिए तो इसके लिए बेटा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक नया कॉलम, दैट इज एफ एक्स, है ना, एफ इंटू एक्स दैट इज एफ एक्स। अब देखो 10 1 10 20 1 20 और 36 3 यानी कि 6 18 8 कैरी 1 3 9 1 10 यानी 108। ओके, और आगे 4 4 16 यानी कि 160 और 5 3 15 यानी 150 और 56 2 6 12 का 2 कैरी 1 5 10 11 यानी कि 112 और 6 6 24 240 और 7 28 280। ओके, 72 एज इट इज, 80 एज इट इज, 88 2 यानी कि 8 16 का 6 कैरी 8 16 और 17 यानी कि 176 और 92 3 दैट इज 6 और 9 3 27 तो 276 और 95 1 95। चेक कर लो। अच्छा अब भाई देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से रहेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कितनी है, है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली कितनी है बेटा, यानी कि सिग्मा एफ जितना भी होगा तो कितना है बेटा, सिग्मा एफ 30। अब जानते हैं बेटा 30 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ है ना, तो समीशन यानी कि ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 30 का। ओके, अच्छा अगर इसको टोटल करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स कितना आता है, ये मैं आपको डायरेक्ट बताया कैलसी से कैलकुलेट करके, तो ये आ रहा है बेटा 10 + 20 + 108 + 160 + 150 तो ये आ रहा है बेटा 1779। देखिए 1779, आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मुला, भाई कौन से फॉर्मुले से कर रहे थे, कौन से मेथड से कर रहे थे, जनरल मेथड, है ना, तो बाय जनरल मेथड तो जनरल मेथड बेटा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो आई एम श्योर आपको बात यहां तक क्लियर होगी। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है बेटा, ये समी तो है ऑब्जर्वेशन का, चेक कर लो भाई, ये सभी 30 के 30 बच्चों का समी तो है ना यहाँ पे, है ना, तो यानी कि कितना बेटा 1779 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल 30 है ना, 30 है। अब देखो 9 7 7 14 14 और 1 15 15 और 9 15 और 10 25 24, हाँ 3 से कट जाएगा तो 3 से कैंसिल करते हैं 10 बारी में और 3 से 5 बारी में और बचा 2 तो 3 9 27 और 3 3 9 और पॉइंट कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट कटेगा 10, है ना, तो बेसिकली 59.3 आपका क्या आ गया बेटा, मीन मार्क्स आ गया इस पूरी ऑब्जर्वेशन का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो एवरेज मार्क्स है, जो एवरेज मार्क्स है वो है 59.3, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 30 बच्चों के ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स हैं, है ना, क्लियर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को, इसी डेटा को बाकी 3 मेथड से भी देखेंगे, है ना, बाकी के 3 मेथड से भी देखेंगे। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके लो। तो बच्चों देखते हैं सेम क्वेश्चन को हम किसी डायरेक्ट मेथड से। तो अगर बात आती है डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, पहले मैं वो बता देता हूँ, मैंने बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यहाँ पे एक्स जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली मिड वैल्यू होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मिड वैल्यू। अब बेसिकली मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन में 2, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास मिड वैल्यू का होना कंपलसरी हो जाता है, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है बेटा, बेसिकली इंटरवल जो आपके पास लिखे होते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 20 to 30, है ना, एंड सो ऑन, तो इसमें इस वाले पोर्शन को हम लोअर लिमिट कहते हैं और इस वाले पोर्शन को अपर लिमिट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक बात समझ में आती है यहाँ से, कि अगर आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से प्रोसीड करना है तो आपको अपने डेटा को, जो कि अनग्रुप्ड डेटा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा, ग्रुप्ड डेटा में, तभी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलो पहले मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ, वैसे तो मैंने कन्वर्जन आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट एक बार और देखते हैं ना,
ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे डेटा का कन्वर्जन। तो देखो डेटा का जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है ना, क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे मार्क्स ही है, तो मैं मार्क्स को है ना क्या कहते हैं ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ मार्क्स के यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो ग्रुप है मार्क्स का वो मैं अपने हिसाब से किसी भी इंटरवल का बना सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे को कहाँ कितना बेनिफिशियल होता है ना, मेरे लिए कितना बेनिफिशियल। तो मैं चाहूँ तो 10-10 का गैप ले सकता हूँ, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं चाहूँ तो 15 का गैप ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 20 का गैप ले सकता हूँ, है ना। तो लेकिन यहाँ पे मैं 15 का गैप लूँगा, 15 का गैप लूँगा, 15 का इंटरवल रखूँगा, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे 15 का इंटरवल लिया है, इसलिए और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि सबसे कम मार्क्स जो है वो 10 है और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो 95 है, तो बेसिकली मुझे 0 से 15 लेने का कोई मतलब लगा नहीं, तो मैं सीधा स्टार्ट किससे कर सकता हूँ अपने इंटरवल को 10 से, तो 10 से 25, क्योंकि 15 का गैप लेगा तो मैं 10 से 25 लूँगा। तो सिमिलरली 25 से 40 है ना, और 40 to 55 और 55 to 60, 70 और 70 to 80, 85 और 85 to 90, 90, 90 और 100 है ना, 85 to 100, क्लियर बेटा। 85 से 100 जाएगा 15 के गैप पे, ओके। अब देखो फ्रीक्वेंसी, जिसके मार्क्स 10 से लेकर के 25 तक है वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन बेटा 25 इंक्लूड नहीं होता, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों, क्योंकि इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं, है ना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में ये 25 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, 25 अगले इंटरवल में काउंट होगा, है ना। तो जिसके मार्क्स 10 से लेकर 24 तक है वो यहाँ पे आएंगे। तो देखो 10 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट है, 20 मार्क्स वाला एक है, और उसके बाद 36 है, तो 36 तो इधर चला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये दो बच्चे यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 स्टूडेंट है, मैं चेक कर लो, 2 स्टूडेंट है ना, एक के 10 मार्क्स है, एक के 20 मार्क्स है, तो 2 ही तो बच्चे हैं जो इस इंटरवल में आ गए। अब अगला 36 मार्क्स कितने, 3 बच चुके हैं, लेकिन 36 से हमें कहां तक जाना था, 40 तक जाना था, लेकिन 40 इंक्लूड नहीं होगा, तो अगला तो 40 है, तो 40 वाले को तो हम अगले इंटरवल मिलेंगे ना, तो यहां पे कितना आएगा 36 का 3 ही आएगा। अब 40 से 55, तो 40 से 55 यानी कि मैं दोनों ले लूंगा, है ना, चेक कर लो। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये दोनों लेने, है ना, तो 4, 3, 7 भाई चेक कर लो, 7 आएंगे, है ना। उसके बाद 55 से 70 तक, तो 55 से 70 में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 70 तो अगले में चला जाएगा, तो 4, 2, 6 है ना। अब 70 से 85, तो 70 से 85 में एक आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो चेक करो कितना है, 4, 2, 6 स्टूडेंट आ गए यहाँ पे भी, है ना। उसके बाद 85 से 100, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो लास्ट के 3 यानी 3, 2, 5, 6, तो बच्चों ये आपके आगे टोटल, है ना, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जो हमने कन्वर्जन किया है वो उसमें कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, क्योंकि बेटा लोड देखो गलती तो हो सकती है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका एक छोटा सा रीचेक करने का तरीका है, वो क्या है कि अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी का करूँ तो इसके इक्वल अगर आ जाती है तो आई एम श्योर कि शायद से मेरी कोई गलती नहीं हुई होगी, तो चेक करते हैं, 24 और 25 बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं, सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और पहले भी वो 30 ही था, चेक कर लो। तो आई एम श्योर आपको कन्वर्जन में तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। तो ये तो था कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के बाद आपको जो सिखाना है वो है डायरेक्ट मेथड, है ना। वो क्या है बेटा डायरेक्ट मेथड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, है ना। तो एक्स यहां पे मैंने आपको बता दिया है मिड वैल्यू है। अब मिड वैल्यू, तो सबसे पहले मुझे एक्स ही चाहिए बेटा इस डेटा में, इस डेटा में मेरे पास क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले एक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो चलिए एक्स की बात करते हैं। तो एक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो ये लोअर लिमिट होती है बेटा, ये अपर लिमिट होती है, तो इस इंटरवल की बेटा ये लोअर और ये अपर, तो दोनों को प्लस करके ही करूंगा। तो देखो 10 और 25 कितना होता है बेटा 35, चेक कर लो, 35 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 17.5 आएगा, यानी कि 17.5, है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो कितना आ रहा है, देखो चेक करो, 40 और 50 60 65 65 आ रहा है, और 65 का अगर मैं आधा करता हूँ, 65 का आधा तो आता है 32.5, भाई चेक कर लो 32.5 आएगा नहीं आएगा, है ना। और एक बात देखो, एक बात ध्यान से देखना भाई, इन दोनों में चलो छोड़ो, वैसे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 15 का गैप चल रहा है तो ये 15 ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, आप इसमें 15 प्लस करते जाओगे तो सारे मिड वैल्यू आ जाएंगी, बट कोई बात नहीं, आप दोनों को प्लस करके दूसरे डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 40 और 55 कितने होते हैं, 5, 4, 9, 95, मैं चेक करो 95 होगा ना, और 95 by 2 करता हूं तो कितना आ गया 4 और 7.5, यानी 47.5, तो 47.5 क्लियर, अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इसके बाद देखो 7, 5, 12 और यानी 125 by 2 करूंगा तो 6 और 2 और 0.5 भाई 62.5 आएगा, 62.5, ओके। अब इन दोनों का करते हैं, देखो चेक करते हैं 8, 7, 15 यानी कि 155 by 2, तो 155 by 2 करते हैं तो 77.5, है ना, तो 77.5 लास्ट कितना हो गया बेटा 185, चेक करो अभी दोनों को प्लस करो 185 by 2 करो, 2 नीम 18 और 2 4 और 2 10, तो 92.5। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, देखो हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब मेरे पास एक्स तो आ चुका है, अब मेरे को जरूरत क्या बेटा एफ एक्स की, यानी कि एफ इंटू एक्स की, दोनों को प्रोडक्ट की, तो चलो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं एफ एक्स, है ना। तो एफ एक्स इन दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कैलसी का यूज करके फटाफट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और देखते हैं कितना आ रहा है। तो बेटा पहला तो है 17.5 into 2, ये तो डायरेक्ट 35 आ जाएगा, और दूसरा है 32.5 into 3, हाँ तो यार बेटा 97.5, ओके। अगला है 47.5 into 7,
तो यार बेटा 62। अच्छा एक बात यहाँ पे थोड़ी सी डाउटफुल है। अब डाउटफुल क्या है बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसी डेटा का जनरल मेथड से मीन कैलकुलेट किया था, है ना। जनरल मेथड से आपने थोड़ी देर पहले इसी डेटा का मीन कैलकुलेट किया था, उसमें आपने आंसर जो लिखा था आई थिंक सो 59.3 लिखा था, लेकिन उसी डेटा का डायरेक्ट मेथड से जो मीन आया वो 62 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का मीन अलग अलग आया है, तो क्या दोनों के मीन सही हैं या फिर दोनों में से कौन सा मीन बेस्ट है, है ना, कौन सी एवरेज बेस्ट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो जाता है। तो बच्चे हमेशा याद रखना है, जो जनरल मेथड होता है वो मीन जो देता है वो एकदम एक्यूरेट मीन देता है, वहाँ पे जो आंसर में होती है वो बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मीन आया है ये अप्रॉक्स मीन है, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा इसको, अप्रॉक्स मीन कहेंगे, ठीक है। तो ये मीन अप्रॉक्स है, वो मीन एक्यूरेट था, क्लियर है बात। तो ये बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको। अच्छा अभी आपने इसी डेटा से क्या सीख लिया बेटा, आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया है। अब इसी डेटा से हम क्या सीखने वाले हैं, आगे हम सीखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं इसी डेटा से अब हम, अभी हमने क्या सीखा था बेटा डायरेक्ट मेथड, अब हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी डेटा को क्या कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड से हम मीन को कैलकुलेट करेंगे इसी डेटा का। अब देखो अभी अभी मैंने आपको डेटा का कन्वर्जन बता दिया था, यहाँ पे ये मैंने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और ये मिड वैल्यू भी निकालना सिखा दिया था, और ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रीराइट कर दिया है, पहले से लिख लिया है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके आगे फिर आप देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो था हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम था एफ एक्स, जो हमें यहाँ पे चाहिए था डायरेक्ट मेथड में, बट एज्यूम मीन मेथड में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो मैं इस वाले सारे डेटा को फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल कैसे निकाला था हमने देख लिया है, और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी हमने ये भी चीज सीख ली है। अच्छा अब पहले मैं बात करूंगा इसके फॉर्मूले की। तो बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड हम बात कर रहे हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड की। तो अगर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड की बात कर रहा हूं तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, है ना, वेयर डी इज इक्वल टू, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए फोर यहां पे एज्यूम्ड मीन होता है, जो आपने मीन को एज्यूम किया है ए उसको कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समस्या क्या है, आपके पास ये डेटा है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया मिड वैल्यू, इसके आगे तो इसके आगे देखो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट एक ही है बेटा, ए फॉर एज्यूम्ड मीन है, और मीन हमेशा एज्यूम कहां पे किया जाता है, किसमें, मिड वैल्यू में, इसको हम डेटा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम मीन को एज्यूम करते हैं, तो बेसिकली हम यहां से कोई सी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप याद रखना सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। अब सेंट्रल वैल्यू कौन से, दो ऊपर से छोड़ी दो नीचे से छोड़ी, तो ये दो बीच की है, है ना। अब यहां पे तो दो दो वैल्यू है, तो दो दो वैल्यू को तो हम मीन एज्यूम नहीं करेंगे ना, तो इन दोनों में से हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को आप मीन एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक इसको मान लिया, ऊपर वाली वैल्यू को मान लिया, सेंट्रल वैल्यू अगर डायरेक्ट होती तो मैं उसको मान लेता, अगर दो वैल्यू सेंटर में आ रही है तो मैं उसमें से ऊपर वाली को मान लेता हूं। ओके अब मेरे को ए तो मिल गया, अगला क्या चाहिए, मेरे को डी चाहिए। अभी अभी मैंने डी का फॉर्मूला क्या बताया, एक्स माइनस ए। तो देखो डी बेसिकली एक्स माइनस ए को कहते हैं। अब एक्स ये रहा और ए यहां का, है ना, देखो ना, अब आप खुद चेक करो, एक्स ये रहा और ए ये रहा। अब आप देखो ध्यान से देखना भाई, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा था 47.5 माइनस 17.5, तो कितना आ गया, जीरो,
जीरो और चार 30. भाई चेक करो 30 आ गया नहीं आ गया, लेकिन 30 नेगेटिव आया. चेक कर लो भाई, इसमें से इसको माइनस करना है ना, एक्स में से इसको माइनस करना है. अब इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं तो 47.5 में से माइनस करना है 32.5. तो देखो जीरो सात में से दो गया पांच और चार में तीन गया एक, 15 आ गया. और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 15 का ही गैप चल रहा था तो 15 ही आना चाहिए था. अब देखो इसमें से इसको माइनस करो तो जीरो आएगा. भाई देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी यही है और ए की वैल्यू भी है. अब एक्स की वैल्यू है और ए की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 15 था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था. यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, यहाँ पे प्लस का 30 आएगा और यहाँ पे प्लस का 45 आएगा. आप कंफ्यूज हो तो चेक कर लो भाई, इसमें से इसको माइनस करके देख लो. देखो 92.5 में से माइनस करूंगा 47.5 को तो जीरो, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे लग गया 8, 8 में 4 गया 4, 45 आया नहीं यार. ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स में से ए को माइनस करते हैं. तो अगर पहली वाली वैल्यू के लिए चल रहे हैं तो पहली वाली वैल्यू के लिए एक्स ये है और ए ये है, दूसरी वैल्यू के लिए चल रहे हैं तो एक्स ये है ए ये है, तीसरी वैल्यू के लिए एक्स भी ये भी है, चौथी वैल्यू के लिए एक्स ये है ए ये है, पांचवी के लिए एक्स ये है ए ये है और छठी के लिए एक्स ये है और ए ये है. तो उम्मीद करता हूं आपको डी फॉर डेविएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अच्छा, इसके आगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे एफ इनटू डी का प्रोडक्ट चाहिए. तो एफ ये रहा, डी रहा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एफ डी निकल जाएगा. तो चलिए एफ डी निकालते हैं. तो एफ डी यानी कि 3 × 6 है ना, और 15 किया 45, 45 माइनस का ये 0 हो गया और 15 छक्के 90, 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 6 = 3 और 6 × 3 = 18, 180 और 45 × 6 = 6 तो 6 × 5 = 0 कैरी हुआ 3 और 6 × 24 = 24, 25 × 26 = 27 यानी कि 270. ओके, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब देखो आपको एफ डी का टोटल चाहिए और एफ का टोटल चाहिए. तो एफ का टोटल तो ऑलरेडी आपके पास है, आप जानते हैं बेटा 30 है ना, लेकिन एफ डी का टोटल कितना है वो देख लेते हैं. तो समीशन ऑफ एफ डी. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ कैल्सिया यूज करके फटाफट से. कैल्सिया का आ रहा है बेटा 435 प्लस का, तो कितना आ गया 435. ओके, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास सारी डिटेल आ चुकी है, बस मेरे को फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करना है. तो देखिए ए ए कितना है बेटा 47.5, चेक कर लो. और सिग्मा एफ डी कितना है 435 और सिग्मा एफ कितना 30. ओके, अब देखते हैं अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है. पाँच से दोनों कट जाएंगे बेटा, पाँच से काटा 5 × 6 = 30 और पाँच से काटा 5 × 5 = 40, 5 × 7 = 35. ओके, अब फर्दर ये 3 से कट जाएगा है ना, तो 3 × 2 = 0 और 3 × 3 = 2 और 3 × 9 = 27. अब ये अगेन 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 29 का हाफ करेंगे तो 14.5 आने वाला है ना. 2 से काटा 2 × 2 और 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो अब देखिए बचा क्या है, बचा क्या आपके पास 47.5 प्लस 14.5 है ना. तो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 47.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू व्हाट, 0 और 7 × 4 = 11, 11 और 1 = 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 और 1 = 5 और 1 = 6 तो 62. मीन कितना आ गया बेटा 62. और चेक कर लो आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तो भी मीन आपके पास 62 ही आया था, दैट इज अप्रॉक्स मीन आया था है ना. तो उम्मीद करता हूँ अज्यूम्ड मीन मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद लास्ट मेथड देखते हैं जो कि स्टेप डेविएशन मेथड जिसे हम कहते हैं. तो बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे. तो बच्चों देखते हैं आप इसी डेटा से स्टेप डेविएशन मेथड है ना. तो स्टेप डेविएशन मेथड पहले मैं आपको मेथड लिख के दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड. तो देखिए बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, आई फॉर इंटरवल है ना. और यहां पे मैंने आपको वो डी के लिए बताया था कि एक्स माइनस ए अपॉन आई होता है ना. ठीक है, अब देखिए अगर मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखूं तो मेरे को किस किस चीज की नीड है ना. मुझे एक तो ए की नीड है जो कि मेरे पास यहीं से आ जाएगा मिड वैल्यू से. इसके बाद मुझे डी चाहिए, ये वाला डी अलग होता है बेटा एक्स माइनस ए, मुझे क्या चाहिए ये वाला डी क्या है बेटा एक्स माइनस ए अपॉन आई है ना. तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई. तो यानी कि मुझे जो डी चाहिए वो अलग डी चाहिए है ना, यानी कि मेरे को इसी वाले डी को इंटरवल से डिवाइड करना है. कुल मिला के बात ये है ना, बात को समझना. अब देखो एक बात हो, इंटरवल कितने का था भाई, 15 का इंटरवल है. अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूँ इस पूरी रो को, भाई आई से डिवाइड करना मतलब 15 से डिवाइड करना है. तो अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ 30 को तो कितना आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा भाई, 15 2 = 30 होता है, 15 1 = 15 होता है. तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 15 1 = 15, 15 2 = 30 2 आएगा, 15 3 = 45 3 आएगा. चेक कर लो मेरे हिसाब से तो यही आएगा. और हमेशा याद रखना जब भी आप स्टेप डेविएशन की बात कर रहे हो और स्टेप डेविएशन में आपको अगर डी निकालना है तो डी निकालना बहुत आसान है. जिसको आपने ए माना है उसके सामने वाली वैल्यू को जीरो और ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख देना, नीचे प्लस में काउंटिंग लिख देना. कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा. ठीक है, तो इस बात को याद रखना. चलिए ठीक है, अब मेरे को फाइनली क्या चाहिए था, एफ इंटू डी चाहिए था. तो एफ ये रहा और डी ये रहा, अब दोनों का प्रोडक्ट. तो ये तो अलग है ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से,
इस वाले प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो नया प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए तो 2 to the 4 माइनस का 4 आ गया, चेक कर लो, 3 1 3 माइनस का 3 आ गया, ये 0 हो गया, 6 1 6 हो गया, 6 2 12 हो गया और 6 3 18 हो गया, चेक कर लो भाई, यही है ना। ओके अब तीनों को प्लस करके कितना आ गया, 18 2 36 36 और 36 माइनस 7 तो 29 आ रहा है बेटा, चेक करो 29 आ रहा है, ठीक है तो 29 आपके पास आ रहा है। ओके अब इसको हटा दूं भाई, ये तो पिछला वाला है ना, इसको हटा देते हैं, है ना। और आपने जो कैलकुलेट करना है वो है एज्यूम मीन मेथड से, तो हम इधर काम करेंगे इसमें, है ना। तो एज्यूम मीन मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ए क्या है यहाँ पे, 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी, एफ डी कितना आया है 29 अपॉन सिग्मा एफ, समीशन ऑफ एफ कितना है 30 और इनटू में है आई, आई फॉर इंटरवल, इंटरवल कितने का है 15 का, भाई पता है ना इनके बीच का गैप होता है इंटरवल, ठीक है कितने का चल रहा है 15 का इंटरवल चल रहा है ना। ओके तो देखिए 15 2 30 और 2 से 14.5 आएगा, चेक कर लो भाई, 2 से 29 को डिवाइड करो तो आधा ही तो करूँगा तो 14.5 आएगा, तो मीन इज इक्वल टू दोनों का प्लस, तो 47.5 प्लस 14.5, तो चेक करेंगे भाई कितना आ रहा है, 5 5 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 4 11 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 5 6 यानी कि 62 आ रहा है भाई, चेक करो 62 आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल आपको यहां से भी सेम ही मिला है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि आप डायरेक्ट मेथड लगाओ या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, बट इन आंसर्स को हम अप्रॉक्स कह सकते हैं, एक्यूरेट नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 267 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया of various states and union territory that is UT of India, find the mean percentage of the female teachers, आपसे बस सिर्फ और सिर्फ female teachers का mean मांगा है ना, mean percentage मांगा है teachers by all the 3 methods discussed in this section, और सभी तीनों methods से आपने बताना है, तीनों methods कौन कौन से बेटा, direct method, assumed mean method और स्टेप डेविएशन मेथड, तो तीनों मेथड से बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 में ऑलरेडी तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं, तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दूंगा, प्रॉपरली नहीं कराऊंगा, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों तो देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो बाय डायरेक्ट मेथड, तो अगर डायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो पहले इसी के लिए हम काम करेंगे, है ना। तो देखिए बेसिकली एक्स एक्स फोर यहां पे मिड वैल्यू होती है ना, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, है ना आप ये जानते हैं, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अच्छा 25 और 15, 40 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली देखो 35 और 25 दोनों को प्लस करूंगा तो 60 आएगा, है ना, और 60 को 2 से डिवाइड करके 30 आएगा। अब ऐसे भी आपको पता है 10 का गैप चला तो 10 बढ़ाते जाओ बस, अगला 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70 फिर 80, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो एफ इंटू एक्स कर लूं, है ना सिंपली, तो देखो एफ इंटू एक्स अगर मैं करता हूं तो यहां पे जो भी आएगा उसका टोटल सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा और इसका टोटल सिग्मा एफ कहलाएगा। चलो इसका टोटल तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो देखो 2 1 3 3 4 7 7 4 11 11 और 7 18 18 और 19 19 और 10 29 29 और 6 35 35 आ रहा है बेटा इसका। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में कि आपका 35 बोला हो, तो 35 तो नहीं बोला है, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन 35 ही आ रहा है, ठीक है। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेटा अब आपके पास यहां से भाई ये कैसे आएगा एफ एक्स, एफ ये रहा एक्स ये रहा, दोनों को इंटू करके आएगा, है ना, दोनों को प्रोडक्ट करके ये आ जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स का टोटल करोगे सिग्मा एफ एक्स आ गया अपॉन में सिग्मा एफ आ गया, यहां पे वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, आपने खुद से करना है, ठीक है बच्चों, और मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है ना, तो आप कर लोगे। चलिए अब स्टेप डेविएशन मेथड, अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को स्टेप डेविएशन मेथड से जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा उसको देखते हैं। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड यहां पे लिख देता हूं मैं पहले बाय, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड, पहले तो हमने वही करा है ना, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है बेटा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ओके अच्छा ये फॉर्मूला होता है वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को ए की जरूरत पड़ने वाली है, तो ए क्या है, मैंने ए बताया था आपको एक्स में से सेंट्रल वैल्यू को आपने ए लेना है, तो सेंट्रल वैल्यू यानी कि 2 ऊपर से छोड़ दिया,
दो नीचे छोड़ दिया, एक ये छोड़ेगी, यानी कि ये आ गया भाई, चेक कर लो 50 तो आ रहा है सेंट्रल में, ठीक है भाई। देखो ना, तीन ऊपर छूटे, तीन नीचे छूटे, ओके आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए बेटा, ए तो मिल गया, अब आपको डी चाहिए। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए करके बताया था आपको, तो डी निकलेगा डेविएशन एक्स माइनस ए करके। तो एक्स ये रहा और ए ये रहा, तो जब ये वाला एक्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 30 आएगा, चेक कर लो भाई, 20 से 50 गया 30 आएगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का 20 आएगा, ये माइनस का 10 आएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस का 10 आएगा, ये प्लस का 20 आएगा, ये प्लस का 30 आएगा, भाई यही आएगा ना, ओके यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, अब आपको एफ डी चाहिए, एफ डी चाहिए, तो एफ ये रहा, देखो ये रहा एफ और ये डी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एफ डी मिल जाएगा भाई, तो ये आप खुद से करेंगे, तो एफ डी का टोटल अपॉन एफ का टोटल और ए ये रहा, आप वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लोगे, तो नाउ डू योरसेल्फ, इसके आगे आपने खुद से करना है इसको कैलकुलेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, सिग्मा एफ डी आएगा, ठीक है बच्चों, ये भी आपसे हो जाएगा, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास रह गया है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे साइड में, तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड तो बच्चों अगर स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा सॉरी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, अच्छा डी फॉर डी डैश कर देता हूं क्योंकि डी यहां पे भी यूज किया है इसीलिए, है ना, तो एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में इंटरवल, ठीक है क्लियर, ओके। अब देखो ए चाहिए था मेरे को सबसे पहले, तो ए तो मेरे पास है ऑलरेडी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब मेरे को डी चाहिए, डी डी फॉर डी डैश चाहिए, यहां पे तो मेरे पास डी है ना, डी डैश नहीं है, तो मैं डी डैश निकालूंगा, डी डैश के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स माइनस ए अपॉन में आई कर देते हैं बस सिंपली, है ना, तो डी डैश निकल जाता है। तो बेटा डी डैश निकालने के लिए मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया था कि आपका एक्स कॉलम में ए जहां पे भी लिखा है उसके सामने आपने जीरो लिख देना है और ऊपर माइनस में काउंटिंग, नीचे प्लस में काउंटिंग लिखनी है, तो ऊपर माइनस में काउंटिंग यानी कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और नीचे प्लस में काउंटिंग यानी कि वन टू और थ्री, डी डैश आ गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एफ इंटू डी डैश, दोनों को दोनों का प्रोडक्ट, तो बेटा एफ डी डैश देखो ये रहा एफ और ये रहा डी डैश, है ना, चाहिए 18 माइनस का 18 चेक कर लो, 11 2 22 माइनस का 22 और 7 1 7 माइनस का ये जीरो हो गया, उसके बाद 4 1 4 उसके बाद 2 2 4 एंड फाइनली 3 1 3, तो इसका टोटल आपका क्या बेटा, सिग्मा एफ डी डैश, ओके। अब देखिए अब भाई माइनस की ये है और प्लस की ये है, माइनस वाले में से प्लस को हटाना है फटाफट से बेटा, माइनस का 36 आ रहा है, माइनस का 36 और आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा आपको यहां पे भी, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा कराया था, मतलब एक पार्ट एक मेथड से पूरा कराया था, बाकी दो मेथड आपने खुद से करने हैं। तो देखिए यहां पे ए की बात कर रहा हूं मैं, तो ए कितना था 50, सिग्मा एफ डी डैश माइनस का 36 है भाई, जब प्लस माइनस एक साथ नहीं लगा तो ब्रैकेट लगा दिया करो, सिग्मा एफ कितना है 35 चेक कर लो, और इनटू में आई, आई फॉर इंटरवल बताया था, दोनों के बीच का गैप कितने का है, 15 से 25 10 का गैप चल रहा है, तो 10। अब देखियो ये दोनों ही वैल्यू बेटा 5 से कट जाती है, 5 7 35 और 5 2 9 10 चेक कर लो, तो यहाँ पे आ गया आपका 50 और ये प्लस माइनस माइनस का ही आएगा भाई, जाहिर सी बात है ना, और 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आएगा, 72 और अपॉन में 7। अब 7 को 72 टाइम्स में, मतलब जितने भी टाइम्स में कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये आपका 72 जो है कितने टाइम्स में कटेगा, 7 से 7 वन 7 ये तो खत्म, ऊपर से आ गया 2 यानी कि 10 और पॉइंट लग गया तो 0, तो 7 दूनी 14 और बचा 6, 6 में पॉइंट लगा 0, 7 8 56 यानी कि अप्रोक्स 10.28 है ना, तो ये जो कैंसिल हो रहा है ये हो रहा है बेटा 10.28 टाइम्स में, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 50 माइनस 10.28 तो कितना आ गया, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 का 9 और 4 में से 1 गया तो 3, 39.72 अप्रोक्स, 39.72 अप्रोक्स कहेंगे इसको, है ना अप्रोक्स। तो बच्चों ये आपका आ गया है मीन, और किसी भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब इन दोनों से भी सेम ही आंसर आएगा आपका, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपने खाली डायरेक्ट मेथड से इसको करना होता तो आपका आंसर सिर्फ इतने पोर्शन में आ जाता, लेकिन अगर आपको इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करना होता तो आपको इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं थी, ये कॉलम आप नहीं बनाते, फिर आप ये कॉलम और ये कॉलम बनाते तो आपका आंसर यहां तक आ जाता। स्टेप डेविएशन के करने के लिए ये और ये भी चाहिए, है ना, इसके अपार्ट आपको ये तीन कॉलम नहीं चाहिए थे, ये दोनों, है ना, तो आपका आंसर इतने में आ जाता। तो बच्चों आपको आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चे देखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 269 एनसीईआरटी है, तो क्या कहता है,
तो एग्जांपल नंबर तीन में लिखा द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच. फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड. व्हाट डज द मीन सिग्निफाई. तो देखिए, आपसे बोला है कि आपने जो वन डे क्रिकेट मैच में बॉलर्स जो विकेट लेते हैं उसका आपने मीन मार्क्स मीन बताना है ना, मीन निकालना है. तो किस मेथड से निकालना है बेटा? कोई भी सुटेबल मेथड से आपने कैलकुलेट करना है. तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने डेटा को ऑब्जर्व किया. जो डेटा आपको दे रखा था वो ये था कि 20 से 60 और 60 से 100, 100 से 150 एंड सो. तो देखो, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 40 का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 100 का और यहाँ पे भी 100 का. यानी कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो इंटरवल्स है, वो अनइक्वल इंटरवल्स है. तो अनइक्वल इंटरवल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हमारे सामने आ ही जाती है ना. तो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, तो डायरेक्ट मेथड अगर मैं लगाता हूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो एक्स जो आपकी मिड वैल्यू आने वाली है वो बहुत लेंदी आ जाएंगी और वो हमारे लिए सुटेबल मेथड नहीं होगा. तो बेटा, सुटेबल मेथड मेरे अकॉर्डिंग तो स्टेप डेविएशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है. हम इसको उसी से करने वाले हैं. तो देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करें, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिवीजन मेथड का? भाई इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में आई, है ना, यही बताया था आपको. तो देखिए, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी बेटा? ए की. ए फोर क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है ना. तो एज्यूम मीन हम किस में करते हैं? हम मीन को एज्यूम करते हैं बेटा मिड वैल्यू में, है ना. तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो मिड वैल्यू क्या है? एक्स, यानी कि एल वन प्लस एल टू बाय 2. तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है ना. तो 6 2 8 यानी कि 40 आ गया यहाँ पे. भाई चेक कर लो, ठीक है, 80 का आधा 40 होगा और यहाँ पे 160, तो 160 का आधा यानी कि 80 आ गया है ना. और यहाँ पे कितना देखो, चेक करो, 200 250, तो 250 है ना, 250 जा रहा है ना. चेक करो भाई, 100 और 100 200 250, हाँ 250 बाई 2 यानी कि 125 आ गया. तो 125 यहाँ पे कितना रहेगा देखो, 250 और 50 300 300 400 400 का 200 आ रहा है. चेक कर लो, और यहाँ पे कितना 350 और 50 400 200 600 का 300 आ गया. ओके, और सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया 500 5 3 800 800 का 400 आ गया. मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, मैं दोनों को प्लस करके बस 2 से डिवाइड कर रहा है, सिंपल है. चलिए, ये तो आ गया आपकी मिड वैल्यू. इसमें कहीं पे ए होता है, ए हमेशा मैंने बोला था आपको सेंटर में लेना है. तो देखिए, ऊपर से अगर मैं 3 वैल्यू छोड़ देता हूं, नीचे से 3 वैल्यू छोड़ देता हूं, बीच में कुछ नहीं बचता, यानी कि ऊपर से 2 छोड़ी और नीचे से 2 छोड़ी, तो ये वाली बच जाती है. तो इन दोनों में से मैंने आपको बोला है कि आप कोई सी भी लेट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन एक काम करते हैं इस वाली को लेट कर लेते हैं ए. इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? क्योंकि बेटा ये देखो राउंड फिगर में वैल्यू है ना, तो सब्ट्रैक्ट यानी कि जब हम करेंगे एक्स माइनस ए, तो उसमें हमें आसानी मिलेगी यहाँ पे ना. तो एक्स माइनस ए को कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, इसके अपार्ट में को क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे डी फोर डेविएशन. तो डेविएशन निकालने के लिए x माइनस ए अपॉन में आई करते हैं, है ना, ठीक है, x माइनस ए अपॉन में. तो एक काम करते हैं, पहले मैं अपॉन आई नहीं कर रहा, पहले मैं खाली x माइनस ए निकाल लेता हूँ, यानी कि सिंपल d निकाल लेता हूँ. तो सिंपल d को x माइनस ए से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको मैं d डैश कह देता हूँ बेटा, है ना. इसका रीजन ये है कि बेटा आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, वरना मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, है? देखेंगे. अब देखिए, डी मैंने कैसे कैलकुलेट करना, एक्स माइनस ए. तो एक्स क्या है? एक्स ये रहा, ए ये रहा. तो इन दोनों को सब करो, तो माइनस का 160 आएगा बेटा, चेक कर लो, है ना भाई, माइनस का 160 ही आएगा ना. हाँ जी, बिल्कुल. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसमें से इसको गया तो माइनस का 120 आएगा, है ना. और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, 10 में से 5 किया 5 और 9 में से 2 गया तो 7, 75 आएगा माइनस का, है ना. ओके, और सेम इसको इसमें से ही करेंगे तो 0 आ जाएगा, देन इसको इसमें से करेंगे तो 100 आएगा, इसको इसमें से करेंगे तो 200 आएगा. ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. अब इसके बाद देखेंगे भाई, इसके बाद आपने क्या निकाला, डी डैश निकालना है. तो डी डैश के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप एक्स माइनस ए अपॉन आई करेंगे, यानी कि कुल मिला के डी को 2 से डिवाइड कर, सॉरी आई से डिवाइड कर देंगे, है ना, डी को आई से डिवाइड कर देंगे, ये यार डी, और इसको हम आई से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे आई फॉर इंटरवल है, तो इंटरवल तो बेटा अनइक्वल है ना भाई, इंटरवल यहाँ पे क्या है, अनइक्वल इंटरवल है, तो इंटरवल कोई पर्टिकुलर सेम तो है नहीं. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक खुद से लेट कर लेंगे एक इंटरवल. तो एक इंटरवल हम लेट कर लेते हैं, लेट से 20 है ना, आई की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 20 है, ठीक है. यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लेट ए जो है, ए फॉर एज्यूम मीन वो कितना है, लेट किया आपने 200, आई फॉर इंटरवल वो आपने लेट किया है 20, ठीक है बच्चों. तो इसके बिहाफ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो. ओके, अब देखिए 20 से डिवाइड करना है इन सबको, तो मैं फटाफट से कैलसी का यूज करके लिख देता हूँ डिवाइड करके कितना आ रहा है, देखेंगे. तो बच्चों पहला है 160 बाय 20, तो 160 बाय 20 करते हैं, ये तो सिंपली 8 आ गया, और 120 बाय 20 करेंगे तो 6 आ गया, 75 बाय 20 करेंगे तो 3.75 आ गया, 3.75, ठीक है. और 0 से करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आने वाला है ना, और 100 को करेंगे 20 से डिवाइड तो आ गया 5, और 200 को करेंगे 20 से डिवाइड तो आ गया 10. भाई चेक कर लो, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. अच्छा देखिए, ये वाली तीनों टर्म्स जो थी वो नेगेटिव थी, तो ये तीनों वैल्यू नेगेटिव आई होंगी बेटा, है ना, यहाँ तक. तो अब एक बात, तो आपको क्या चाहिए, आपको एफ डी डैश का टोटल चाहिए, एफ डी डैश का टोटल. तो ये आपने डी डैश ही तो निकाला है ना. अब एफ येरा और डी डैश येरा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, देखेंगे। तो देखिए, 7 8 56 माइनस का 56 आ गया, और 6 5 30 माइनस का 30 आ गया, और 16 × 3.75 इसको फोन से कर लेते फटाफट से, 16 × 3.75 ये आ गया 60, ठीक है, ये आ गया आपका 60 60 माइनस का ये 0 और ये 5 10 और ये 30 30, इसका टोटल कितना होगा बेटा सिग्मा एफ डी, देखते हैं करके कितना आ रहा है। तो देखिए, आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कितनी है, 30 + 10 + 0, ओके, तो पॉजिटिव वैल्यू ये है और नेगेटिव वैल्यू कितनी है, -60 - 30 - 56, तो 106 माइनस का 106 आ रहा है बेटा, ठीक है, आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले बेटा। तो देखिए, फॉर्मूला क्या था आपका, मीन इज इक्वल टू ए, ए कितना है 200 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, तो एफ डी डैश गिरा कितना है माइनस का 106, तो 106 नेगेटिव अपॉन में सिग्मा एफ, भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन में सिग्मा एफ आता है, तो ये कितना है देखो, देखते हैं 7 5 12 12 और 18 38 38 39 40 50 50 और 45 45, एक बार और चेक कर लेते हैं, 7 5 12 12 और 6 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 का 5 कैरी हुआ 2 2 1 3 1 4, हाँ ठीक है 45 बिल्कुल ठीक है। तो 45 इंटू में आई, आई फॉर इंटरवल, इंटरवल कितना था बेटा 20 का लिया था आपने, चेक कर लो। अब देखिए, ये दोनों वैल्यू 5 से कैंसिल हो जाती है, तो 5 से 5 24 5 9 45 और बस और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, आप चेक कर लो, है ना। तो कितना आ गया बेटा 200 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 4 × 4 6 × 24 / 9 भाई, चेक कर लो यही आएगा ना। अब इसको फटाफट से कैलसी का यूज करके निकाल देते हैं, तो ये आपका आ रहा है इंटू 4, तो 424 / 9 यानी कि 47.111 और इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है 200, तो ये आ गया 152.88, है ना 152.88, तो उसको 89 कर देते हैं बेटा, है तो 152.89 ये आपका आ गया है मीन, और ये क्या है बेटा अप्रॉक्स मीन है। तो आई एम श्योर बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस एग्जाम्पल के साथ आपका जो आज का इंट्रो था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.1, वो भी पूरा फिनिश हो चुका है और आपको आई एम श्योर ये समझ में आया होगा। तो देखिए, हम इसको, इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड के अलावा अगर किसी और मेथड से करते तो डेफिनेटली आपका आंसर जरूर आ जाता, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता, लेंथी ठीक है, बट एज कंपेरिजन टू अदर्स बेटर है ये, है ना, तो स्टेप डिविजन मेथड बेटर है। तो चलो बच्चों, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, तो आप सबसे पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके अपलोड कर लीजिएगा, और चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।